हे गाइस, वेलकम बैक। सम गुड न्यूज इज अ सीरीज जहां पे हम कुछ अच्छे न्यूज की बात करेंगे जो हर दिन हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास काफी खराब न्यूज चल रही है। मैं बस वही न्यूज को हटाना चाहता हूँ आपके दिमाग से और हर दिन कुछ पांच अच्छे न्यूज आपके सामने लाना चाहता हूँ। बस यही इस वीडियो का एम है। तो आज का पहला न्यूज ये है कि सेपरेटिस्ट जो हुर्रियत लीडर हैं अशरफ सहराई, जमात के मेंबर्स उनके साथ साथ, उनको डिटेन कर लिया गया है कश्मीर में। पुलिस ने एक्शन तब लिया जब जो उनके जो वृद्ध सेपरेटिस्ट थे, लीडर जो थे सैयद अली शाह गिलानी, उन्होंने अपना कंप्लीट डिसोसिएशन अनाउंस किया पॉलिटिक्स से। उसके बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया। इन्होंने जो सेपरेटिस्ट की जो हुर्रियत के जो लीडर थे, सेकेंड लीडर जिन्होंने गिलानी से लिया है अपना चेयरपर्सन का भाग, अशरफ सहराई, और साथ ही साथ कुछ बैंड जमाते इस्लामी के भी मेंबर्स को इन्होंने डिटेन किया और इनको शायद तक बुक किया जाएगा पब्लिक सेफ्टी एक्ट के चार्ज पे। और ये चीज़ें जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ दिलबाग सिंह ने संडे को बताई थी। सहराई जो है वो चेयरपर्सन है प्रो पाकिस्तान तहरीक के हुर्रियत के, और उनके साथ साथ एक बहुत सारे जैसे मैंने पहले ही बताया जमात इस्लामी के मेम्बर्स को भी लिया गया है कस्टडी में। और सेराई ने गिलानी से टेक ओवर लिया था और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे तहरीक हुर्रियत एट ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे 26 सेपरेटिस्ट पार्टी का जमावड़ा होता है। ये जो फंक्शन था और ये जो फ्रैक्शन ऑफ हुर्रियत है, ये डिफरेंट है कब से जो जो एक और हुर्रियत जो लीड करते हैं मीरवेज उमर फारूक, और उनका जो फेवरेट डायलॉग है वो ये है कि वो जम्मू एंड कश्मीर में वायलेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। और जानने की बात यह भी है कि सहराई के जो सन है जुनैद सहराई, जो उनके बेटे थे, वो डिविजनल कमांडर थे हिजबुल मुजाहिदीन में, और जिनका अभी इसी साल मई में नवाकड़ एरिया जो होता है नवाकड़ एरिया, और या मैं इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक नवाकड़ एरिया जो होता है वहाँ उनका इनकाउंटर हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज पे। सेकेंड न्यूज़ ये है कि मॉडरेट और सीवियर केसेस के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नाम की दवाई यूज़ की जा सकती है थेरेपी में, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। साथ ही साथ एक और दवाई है रेमडेसिविर, वो जो है एक्सट्रीम कॉशन के साथ उसे यूज़ करना है ट्रीटमेंट पे, क्योंकि ये लीवर और किडनी की इंजरी ला सकती है। और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि सीवियरिटी सिम्टम्स की देखते हुए इसे तीन भागों में डिवाइड किया गया है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। और मॉडरेट और सीवियर केसेस के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि एडिक्वेट ऑक्सीजन सपोर्ट देना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम एंटी कॉग्युलेंट जो होते हैं वो देने चाहिए, और जो वाइडली अवेलेबल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वो देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। माइल्ड केसेस के लिए 80% ऑफ जो केसेस हैं वो माइल्ड हैं, उनके लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है SCQ वो रिकमेंड किया गया है। और जो अप्रोच है ट्रीटमेंट का वो मोस्टली है एसिम्प्टोमेटिक और सपोर्टिव केयर पे, बिकॉज अभी तक हमारे पास कोई भी क्योर नहीं आया है। और जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो यही पता कर रहा है कि कौन सा ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये सब इन्वेस्टिगेशनल थेरेपीज हैं और यहाँ पे काफ़ी दवाइयों का असर भी खराब होता है, कभी काफ़ी का सही होता है। लाइक रैम्पेंट जो यूज़ एक दवाई है उसका यूज़ बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया गया है, क्योंकि वो साइकोटिन स्टॉर्म लेके आता है। अब इसके बारे में हम ठीक से पढ़ेंगे आगे कभी। और जैसे कि टॉसिलीज़ुमाब करके एक है मेडिसिन जो कि मोर्टेलिटी रिडक्शन करती है, तो उसमें भी अगर अगर आपको पेशेंट जो सीवियर कंडीशन पे हैं उनके लिए यूज़ करना है तो भी आपको अच्छे से मेडिकल कंसर्न और कंसेंट दोनों के साथ करना होगा। तो अभी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, हम आगे कोविड की ही बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे न्यूज़ पे। तीसरा जो न्यूज़ है वो ये है कि ह्यूमन ट्रायल्स जो है वैक्सीन का कोविड-19 के लिए, वो कंट्री मतलब भारत पे इनिशिएट हो चुका है और अराउंड 1000 वॉलंटियर्स पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि दो वैक्सीन जो लोगों ने डेवलप की है, जो कंपनी ने डेवलप की है उससे है। और ये बात ICMR ने ट्यूजडे को कही है। जैसा कि हमको जानते हैं कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर्स है आप इस पूरे दुनिया का, और उसका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एक फास्ट ट्रैक वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस बना के कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन का चेन तोड़े। ये बातें कहते हुए ICMR के अध्यक्ष ने इसे एड्रेस किया।
और जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है DCGI, उन्होंने दो वैक्सीन को परमिट किया गया है ट्रायल के लिए। पहला जो कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, उसको वैक्सीन बोलते हैं, और जो जो कि ICMR के साथ कोलैबोरेशन है। और दूसरा जो है वो जाइडस कैडिला है हेल्थ केयर लिमिटेड, जो बनाया गया है वो भी सेकेंड फेज में चले गया है। ये दो इंडियन वैक्सीन जो है, ये टॉक्सिटी जो स्टडी होती है रैट माइस रैबिट्स में, उसको सबमिट किया गया था और उसको क्लियरेंस मिल गया DCGI से। और एक रिसेंट जो लेटर किया गया था भार्गवा, जो कि DCGI के ICMR के जो चीफ है, उन्होंने ये बोला था कि 15 अगस्त तक हम मेडिसिन या वैक्सीन ले आएंगे। तो इस चीज को रियलिस्टिक नहीं है, काफी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, हमने ये बातें कवर की है पिछले गुड न्यूज वाले सेक्शन में। बट हाँ, भार्गव का ये जी का ये कहना है कि क्योंकि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं इंडिया को, और 60% ऑफ जो इंडिया का ड्रग है, वो US का ड्रग है, वो इंडिया से बन के आता है, और जो और वो इंडिया ओरिजिन है, तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम एक वैक्सीन ला के दें। तो अब चौथे न्यूज में जाते हैं। रशिया ये बोल रहा है कि वो लॉन्च करने वाला है इन वर्ल्ड का पहला COVID-19 वैक्सीन मिड अगस्त में। और रशिया की जो स्केशनो यूनिवर्सिटी है, आई एम माइट नॉट बी प्रोनाउंसिंग इट राइट बट ओके, उन्होंने सक्सेसफुली ट्रायल किया है COVID-19 का। और ये जो है स्टेट रन गामिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडर्मोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से बनाई गई है। और क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं इस वैक्सीन पे, जो कि वॉलंटियर लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर किया था, और इसमें बताया गया है कैंडिडेट्स जो थे वो इफेक्टिव थेरेपी के लक्षण दिखा रहे थे। और रिसर्च कंप्लीट हो गई है और प्रूफ भी हो गया है कि वैक्सीन सेफ है। और गेमेलाई सेंटर्स डायरेक्टर जो अलेक्जेंडर हैं, उन्होंने बोला है कि हम एक सिविल सर्कुलेशन वैक्सीन बनाएंगे जो कि 12 से 14 अगस्त में जाएगा, और उसके बाद जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये मास प्रोडक्शन सितंबर से स्टार्ट कर सकती हैं। ये सारी रिपोर्ट मॉस्को टाइम्स में आई थी। चौथा न्यूज ये है कि HRD मिनिस्टर रिलीजेस, इन्होंने प्रज्ञता गाइडलाइन रिलीज की है स्क्रीन टाइम के लिए स्टूडेंट्स की, और जो कि इंडिया अभी काफ़ी तरह से डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो कुछ स्क्रीन टाइमिंग्स का और सारे डिजिटल एजुकेशन होनी कैसे चाहिए, क्या रोड मैप है वो सब के लिए जो HRD मिनिस्ट्री है उन्होंने रिलीज किया कुछ चीज़। तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। पहला तो ये है कि जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट होते हैं उनके ऑनलाइन क्लासेस 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा ये है कि आप 1 से 8वीं कक्षा तक 30 से 35 मिनट के 2 सेशन डेली ले सकते हैं, और 9 से 12वीं तक 30 से 35 मिनट के 4 सेशन लेने चाहिए। साथ ही साथ एक 8 स्टेप गाइडलाइन जो है वो है प्लान रिव्यू अरेंज गाइड टॉक असाइन ट्रैक एंड अप्रिशिएट। तो ये सब क्यों किया गया, पहले आप असेसमेंट के लिए, फिर दूसरा आप जो काफ़ी लोग इस कंसर्न करते कैसे ऑनलाइन प्लान करें, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या स्क्रीन टाइम होना चाहिए, क्या ये सही है नहीं है, ऑफलाइन एक्टिविटी ऑनलाइन एक्टिविटी कैसे बैलेंस करें लेवल वाइज, साथ ही साथ आप किस लेवल पे कैसा डिलीवर करें उसका कोई मॉडल नहीं था। दूसरा फिजिकल मेंटल हेल्थ और वेलबींग में कितना इफेक्ट पड़ रहा है और कितना कैसे करना चाहिए डिजिटल एजुकेशन पे, उसके लिए था। साथ ही साथ साइबर सेफ्टी और एथिकल प्रैक्टिसेस के लिए भी ये चीज़ें थी जिसको हम साइबर सेफ्टी मेंटेन कर सकें, उसके बाद हम कैसे कोलैबोरेट करें सारे सारे इनिशिएटिव को, तो वो सारी चीज़ों का भार लिया गया है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम प्रज्ञता द्वारा, जो कि बनाई गई है HRD मिनिस्ट्री से। तो आज के लिए इतना ही, आगे आपके लिए एक मैसेज है, प्लीज़ देखिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छे न्यूज़ आपके तक लाने की कोशिश करूँ, ताकि जो आसपास इतने सारे खराब न्यूज़ आ रहे हैं वो न्यूज़ को ना देखते हुए कुछ अच्छे न्यूज़ की हम बात करेंगे हर दिन के 5। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी वर्सेटाइलिटी लाना चाहता हूँ इस चैनल पर, एक कंटेंट पर यह फोकस नहीं रहेगा, ताकि जैसा जिसको चाहिए वो मिल सके और इस चैनल का अच्छा खासा